The internet is full of bro science fake knowledge, half-information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, Dosto I am Dr. Paramjeet, Consultant Physician and Cardiologist in Yashoda Super Speciality Hospital, Delhi NCR and you are Dr. Education. Friends, Coronavirus ka kahir, इंडिया पे बरस रहा है और इसके चलते बहुत सारे लोगों को फीवर कफ सांस फूलना गला ख़राब बुखार ऐसे सिम्टम आ रहे हैं और किसी किसी को सिवियर निमोनिया हो जाता है जो जान ले लेता है अब तक 600 से ज़्यादा लोग अफेक्ट हो चुके हैं और 17 लोगों की जान जा चुकी है तो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में ये आता है कि सबका टेस्ट क्यों नहीं होता और अगर मैं जाता हूँ तो मेरा टेस्ट क्यों नहीं होता मुझे भी सिम्टम है मुझे भी हर एक को या दस में से हर दूसरे हर तीसरे इंसान को या तो फीवर हो रहा है या तो कोई खांसी आ रही है गला ख़राब हो रहा है बलगम हो रहा है उसे ये डर लग रहा है कि ये कोरोना वायरस है तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो एक डीएनए टेस्ट के बराबर है डीएनए टेस्ट का नाम सुना है आपने डीएनए टेस्ट को कोर्ट भी दुनिया की कोई कोर्ट भी चैलेंज नहीं करती है अगर डीएनए टेस्ट में पकड़ा जाता है आप डीएनए आपका कहीं मिल जाता है तो आप वहाँ थे हाँ अब डीएनए प्लांट किया जा सकता है वो अलग बात है लेकिन कोरोना का डीएनए कोई आपके अंदर प्लांट करेगा तो आपके अंदर इन्फेक्शन तो है ना तो आपके अंदर कोरोना वायरस का डीएनए टेस्ट होता है तब पता चलता है कि आपके अंदर कोरोना वायरस है मगर कोरोना वायरस में डीएनए नहीं होता कोरोना वायरस में आरएनए होता है ये एक आरएनए वायरस है वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और वायरस के जेनेटिक मटेरियल को एक कैप्सूल में कवर होता है उसका एक कैप्सूल होता है उसका एक एनवलप होता है नॉर्मली वायरस बहुत छोटा बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और ये वायरस के जो कैप्सूल है उस कैप्सूल के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एस प्रोटीन ई प्रोटीन एम प्रोटीन एन प्रोटीन एटसेट्रा एटसेट्रा और इस वायरस के इन प्रोटीन्स और इस वायरस के पूरे जीनोम को यानी उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को पूरे के पूरे ए टू जेड आर को जनवरी में ही पहचान लिया गया था और जनवरी में ही ये दुनिया के पास आ गया था कि ये वायरस का ए टू जेड जीन्स जो है डीएनए जो है जो आर एन वो कैसा है तो इस वायरन वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पूरा का पूरा आर मैच करने की जरूरत नहीं है अगर आपको हम किसी का हाथ दिखाएंगे सिर्फ तो आप बता सकते हैं कि ये इंसान का हाथ है कि जानवर का हाथ है कि इसका है कि, इसका है, कि उसका है राइट right? so, यहां पे कोरोना वायरस के इस नोवेल कोरोना वायरस को पहचानने के लिए उस पर्टिकुलर डीएनए और डीएनए हर एक का अलग होता है राइट right? वैसे इस कोरोना वायरस के नोवेल कोरोना वायरस क्यों ये नया कोरोना वायरस है क्योंकि ये नया वायरस किसी और पुराने कोरोना वायरस के डीएनए आरएनए से मैच नहीं करता इसीलिए ये एक नोवेल कोरोना वायरस है इसकी नई प्रॉपर्टीज है इसकी अलग प्रॉपर्टीज है अब इसको पहचानने के लिए अगर आप बोलें तो इस डीएनए के अंदर बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और नॉर्मली जो टेस्ट इस्तेमाल होता है उसका नाम है पीसीआर पॉलीमराइज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेस्ट नॉर्मली पीसीआर टेस्ट जो डिजाइन किया गया था ये डीएनए को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया था का। मतलब डीएनए और आर में फर्क क्या आर में एक स्ट्रैंड होता है डीएनए देखा है आपने ऐसा ऐसा और आर में उसका आधा हिस्सा होता है डीएनए में उसका एक तरफ ये, एक तरफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है सो so, एक आर को डीएनए वाले टेस्ट में टेस्ट करने के लिए हमें आर को डबल स्ट्रैंड करना पड़ता है इसलिए आर का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है बेसिकली उसका एक साथी बनाना पड़ता है जो उससे मैच करे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज

इस पर्टिकुलर वायरस के आर का डीएनए बनाया जाता है वो पर्टिकुलर ये और अब अब क्या किया जाता है अब अब एक सैंपल जो लिखे उसके अंदर की बात कर रहा हूं करो आपका एक सैंपल लिया मतलब ये मान के कि अगर आपके अंदर गया है वो डीएनए अब आपका डीएनए खुद का डीएनए तो बाल से भी टेस्ट हो जाता है ब्लड से भी चेक हो जाता है चमड़ी से भी टेस्ट हो जाता है है ना आपके सलाइवा से भी चेक हो जाता है लेकिन वायरस का डीएनए तो वायरस मिलेगा तो पकड़ेंगे ना तो वायरस कहां मिलेगा वायरस आपके स्किन पे नहीं लगा हुआ है राइट वायरस है आपके फेफड़ों में आपके लंग्स में सबसे ज्यादा मात्रा में वायरस जो जा रहा है आपके नाक से आपके मुंह से आपके फेफड़ों के अंदर तब जांच किसकी होगी इसलिए जांच होती है आपके बलगम की आपके म्यूकस की आपके ओरो या नेजल जो स्वैबिंग की वहां से स्वैब यानी वहां से बलगम ली जाती है और फिर टेस्ट किया जाता है तो अगर इस बलगम में उतने अमाउंट में वायरस है ही नहीं एक भी वायरस नहीं मिला यहां वायरस है यहां से ले लिया तब नहीं पकड़ा जाएगा इसीलिए पहले दिन यह टेस्ट नहीं किया जाता इसीलिए जिसको भी सिम्टम है उसको पांच से सात दिन आठ दिन रुक के फिर टेस्ट किया जाता सात दिन पांच दिन रुकने के बाद टेस्ट किया जाता टेक्निकली तो पांच दिन बोला जाता है कि वायरस पहले इतना इकट्ठा तो हो कि हाँ टेस्टेबल हो वरना टेस्ट नेगेटिव आएगा हम कुछ करेंगे नहीं बात समझ आ रही है सो so, अब इसका टेस्ट कैसे होता है जेनेटिक मटेरियल हमें पता है पूरा का पूरा आरएनए हमें पता है हम पूरे के पूरे पूरे के पूरे आरएनए को मैच कर सकते हैं लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता वहां पे क्या होता है कई लोग उस आर का एक स्पेसिफिक उसका एक की पॉइंट एक ऐसा इसका एक पॉइंट ऐसा पकड़ लेते हैं कि कौन सा आर का ऐसा पॉइंट है जो इसको जो इसको एक, एक पहचान देता है जो इसको पहचान देता है कि हाँ ये यही है राइट right? सो so, इस एंटायर आने का एक सिग्नेचर पार्ट डिस्टिंक्टिव सिग्नेचर पार्ट को लिया जाता है और उस सिग्नेचर पार्ट को हम बना देते हैं प्राइमर उस प्राइमर को यूज किया जाता है आपको इस टेस्ट को पकड़ने में अब किसी एक पेशेंट का सलाइवा या बलगम या एक स्वाब लेके जब उसको उसके अंदर के जितने भी आर एन ए क्योंकि उसके अंदर आपके भी डी एन ए और हजारों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं जो आपके कोई हार्मफुल नहीं है आपके नॉर्मल बैक्टीरियाज के डी एन ए हैं आर एन ए और कई सारे दूसरे वायरसेस के भी आर हो सकते हैं उसमें तो ये पर्टिकुलर वायरस ये पर्टिकुलर वायरस को कैसे पकड़ना है उसमें सारों को सारों को पहले सारे के आरएनए को डीएनए किया जाता है और फिर उसके बाद में ये प्राइमर छोड़ा जाता है उसके अंदर ये प्राइमर क्या करता है ये प्राइमर अपना साथी ढूंढता है ये प्राइमर अपना साथ ही ढूंढता है कि पूरे के पूरे आपके उस सैंपल में उस, उस हे स्टैक में वो छोटी सी नीडल है क्या वो छोटी सी नीडल मतलब वो अगर वो मैच कर जाता है जहां पर भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स मिल जाए न्यूक्लिक एसिड मिल जाए वो मैच कर जाए कि हाँ ये सिग्नेचर पार्ट डिस्टिंक्टिव सिग्नेचर मैच कर गया तो वो उस मैच करने के बाद उस पर्टिकुलर पोर्शन को रेप्लीकेट करने लग जाता है यानी उस डिस्टिंक्टिव पार्ट को फिर डेगबल दो दो से चार चार से छह से पूरे चार नहीं, दो से चार से आठ आठ से सोलह ऐसे करके थोड़े ही देर में एक पांच सौ बारह फिर उसके बाद हजारों लाखों बिलियंस एंड बिलियंस वहां पर स्ट्रैंड बन जाते उस पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव फ्रेगमेंट के और इस तरह से पता चल सकता है कि वहां कौन सा फ्रेगमेंट वो फ्रेगमेंट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा अब इसको और अच्छे से करने के लिए रियल टाइम पीसीआर के लिए उस पर्टिकुलर प्राइमर में कलर टैग कर दिया जाता है कलर टैग का मतलब है कि जब भी वो प्राइमर रेप्लीकेट होगा वो और ज्यादा कलर बनाता जाएगा और ज्यादा कलर बनाता जाएगा और ज्यादा कलर बनाता जाएगा तो जो सैंपल है आपका वो ग्लो करने लगेगा तो इसका मतलब जिस जहां पर भी डीएनए मैच करेगा वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा जितना ज्यादा ग्लो करेगा उतना पॉजिटिव प्लस उस पेशेंट को सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो प्लस वो पेशेंट ऐसी जगह में हो जहां कोरोना वायरस फैल चुका है तो भाई साहब क्लिनिकली 100 परसेंट श्योर हो जाता है कि ये वायरस उसके अंदर है मगर इसमें एरर हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं हो सकता है कलेक्शन एरर हो लेने वाले ने स्वाब ही ढंग से नहीं लिया हो सकता है टेस्टिंग एरर हो पहले वाले पेशेंट का पॉजिटिव वाला सैंपल लेने के बाद में उसी का थोड़ा हिस्सा रह गया और दूसरे को दूसरे को उसके पास चला गया तो वायरस पहले वाले में भी पॉजिटिव आ गया दूसरे वाले में भी पॉजिटिव आ गया सो ह्यूमन एरर हो सकता है मशीन एरर हो सकता है सो so, यहां पर यह अकेला टेस्ट नहीं है दुनिया के हर टेस्ट है जिसमें एरर हो सकते हैं इसीलिए डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर टेस्ट की मदद लेता है आंख बंद करके डिटेक्ट नहीं करता सो so, टेस्ट एक मदद करने वाला टेस्ट है और ये टेस्ट किसी भी पेशेंट को एक पॉजिटिव पेशेंट को जब चाइना में इटली में टेस्टिंग हुई है और ज़्यादा पेशेंट वही हैं तो उनकी टेस्टिंग के जो डेटा निकाले हैं तो जो पेशेंट इससे पॉजिटिव आए हैं वो सिर्फ थर्टी टू फिफ्टी परसेंट लोग जो जिनके अंदर है बीमारी जिनके अंदर बीमारी है वो पॉजिटिव आए हैं मतलब कि टेस्टिंग में एरर भी हो सकती है और वो वायरस हो सकता है वो सैंपल में ना भी मिले हो सकता है वो वायरस अंदर चला गया है क्योंकि वायरस ऊपर नहीं बैठता जैसा कई लोग कह रहे हैं कि वायरस पता नहीं तीन दिन तक मुंह में बैठता है मुंह साफ कर लो मुंह धो लो ऐसा कुछ नहीं है जहां भी वायरस को जगह मिलेगी वो अंदर घुस जाएगा उसका सिर्फ प्रोटीन एस टू रिसेप्टर मैच करना चाहिए उसने अंदर घुस जाना है आपके लंग के अंदर एक सेकेंड नहीं लगाना उसने एक बार अंदर चला गया फिर कुछ कर लो तुम उसको नहीं निकाल सकते फिर उसकी आपकी इम्यूनिटी मारेगी सो इस तरह से टेस्ट होता है और जब टेस्ट सिर्फ थर्टी टू फिफ्टी परसेंट पचास परसेंट लोगों में टेस्ट पकड़ा जाएगा लेकिन पचास परसेंट लोग जो हैं जो एक्चुअली पॉजिटिव है उनमें टेस्ट नेगेटिव आ सकता है तो क्लिनिकली बहुत जरूरी है कि एक बार फिर टेस्ट किया जाए चौबीस घंटे के बाद फिर टेस्ट किया जाए क्योंकि हो सकता है वायरस अभी इतना इकट्ठा ही नहीं इतना सारा क्योंकि आपके अंदर बॉडी जाके वायरस रेप्लीकेट होता है मल्टीप्लाई होता है हो सकता है हो सकता है वायरस इतना सारा मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं हो कि डिटेक्टेबल आया हो इसलिए चौबीस घंटे के बाद फिर टेस्ट किया जाता है कि फिर नेगेटिव आया कि नहीं आया कभी कभी थर्ड टेस्ट भी किया जाता है और अब इटली चाइना ऐसी जगहों पे जहां बहुत सारे पेशेंट बीमार हो रहे हैं अगर उनको यह नहीं है तो क्या है तब फिर उनका सिटी स्कैन भी किया गया तो सिटी स्कैन में पाया गया कि सिटी स्कैन से भी बताया जा सकता है कि यस ये जो पर्टिकुलर सिटी स्कैन की फाइंडिंग है यह कोरोना के सारे पेशेंट्स की सिमिलर है तो सिटी स्कैन और प्लस डीएनए टेस्ट यानी आरएनए टेस्ट पीसीआर प्लस पेशेंट के सिम्टम प्लस वो एरिया तब पता चलता है कि आपको कोरोना वायरस ही हुआ है तब वो डॉक्टर आपको लेबल करता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो आपको टेस्ट किया जाता है आपको आपको दवा दी जाती है इवन इफ आप अगर नेगेटिव हो तो इस सारे प्रोसेस से आपको जाना जाता है जी हाँ दुनिया का को कोई टेस्ट नहीं है जो परफेक्ट हो लेकिन सोच के देखो अगर आपका कोई खुद का अपना कुंभ के मेले में घूम गया और आपके पास एक तरीका है कि उसको हजारों करोड़ों में से पहचानने का तो क्या आप पहचानना नहीं चाहोगे तो ये टेस्ट बिल्कुल अच्छा टेस्ट है कई लोग कह रहे हैं कि पी टेस्ट नहीं करना चाहिए एसे एसेट्रा कुछ लोग कह रहे हैं सो कृपया कुछ लोगों की बातें ना सुने कृपया टेस्टों पे भरोसा करें डॉक्टरों पे भरोसा करें मेडिकल साइंस इतना बड़ा है कि हम लोग डॉक्टर चाह के भी आपको एक थोड़े से जगह टाइम पे दस मिनट के वीडियो में नहीं समझा सकते ना ही आप समझ सकते हैं तो या तो डॉक्टर पे भरोसा करो या फिर भगवान पे